हेलो स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज होलसेल ब्रांच अकाउंट। आज के टाइम में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी अपनी अपनी रिटेल शॉप होती है, यानी कि ब्रांच होती है। जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को रिटेल प्राइस प्लस होलसेल प्राइस पर सेल करते हैं। सपोज कीजिए, ये जो रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस की बात करूँ, इन दोनों में डिफरेंस होता है। होलसेल प्राइस इज ऑलवेज लेस देन रिटेल प्राइस। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर रही हूँ। मान लीजिए आपकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है। हेड ऑफिस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि ब्रांच उनके प्रोडक्ट को होलसेल प्राइस पर ही सेल करेगा और वो होलसेल प्राइस 140 रुपीज़ है। तो हेड ऑफिस की तरफ से 100 रुपये की गुड्स अगर 140 रुपीज़ में सेल हो रही है, इट मीन्स हेड ऑफिस को कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। बट एक्चुअल में जो ब्रांच है वो उसको रिटेल प्राइस पर सेल कर सकती है और वो उसका रिटेल प्राइस मान लो 160 रुपीज़ है। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि होलसेल प्राइस 140 है और रिटेल प्राइस 160 रुपीज़ है। अगर ब्रांच की बात करें तो ब्रांच 100 वाले प्रोडक्ट को कस्टमर तक 160 रुपीज़ में सेल कर रही है। इट मीन्स उसे यहाँ पर 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि हेड ऑफिस को 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर 60 रुपीज़ का ब्रांच को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में रियल प्रॉफिट क्या है? 60 माइनस 40, इट मीन्स उसको एक्चुअल में 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो रियल प्रॉफिट यानी कि ट्रू प्रॉफिट जानने के लिए हम होलसेल ब्रांच अकाउंट क्रिएट करते हैं। रोक दो। हेड ऑफिस जितनी भी गुड्स ब्रांच को भेजता है, ये लास्ट मेथड में वो इसे ये इंस्ट्रक्शन देना है कि आपने इसको होलसेल रेट पर ही सेल करना है। बट ट्रू प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए होलसेल ब्रांच अकाउंट क्रिएट किया जाता है। मतलब आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है अलग से एक कॉलम बनाकर, हेड ऑफिस का क्लोजिंग स्टॉक। नंबर टू पर आपको ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक बनाना है ताकि आपको ट्रू प्रॉफिट पता लग जाए कि कितना आया है। वो आपको तभी पता लगेगा जब आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करोगे। इसके लिए आपकी एंट्री बनती है, पहली एंट्री अनरिलीज्ड प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए। और हेड ऑफिस ने जितना भी ब्रांच को स्टॉक दिया है, ये जरूरी नहीं कि सारा का सारा स्टॉक सेल हो जाएगा, कुछ स्टॉक उसके पास रह सकता है। जब कुछ स्टॉक यहाँ पर उसके पास रह जाता है तो वो आपका अनरिलीज्ड प्रॉफिट कहलाता है कि अभी तक इस पर कोई भी प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं हुआ। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक के लिए सेकेंड एंट्री इसकी रिवर्स मार जाएगी, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास है। ए लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच एट कानपुर। इनकी ब्रांच कानपुर में है। गुड्स आर सोल्ड टू कंज्यूमर एट कॉस्ट प्लस 100% है। आपके पास कॉस्ट प्लस 100% का मतलब है, सपोज कीजिए आपकी कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट हुआ 100, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? वो सेलिंग प्राइस जिसे 200, जिसे ब्रांच जो है कस्टमर को दे रहा है। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 80। कहता है इसका जो होलसेल प्राइस है, होलसेल प्राइस कॉस्ट प्लस 80% है। कॉस्ट आपकी 100 है प्लस 80 ऐड किया तो आपके पास कितना हुआ? ये 180 रुपीज हुआ। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि 100 रुपये वाली गुड्स को 180 रुपीज में सेल करना। तो यहाँ पर हेड ऑफिस को कितना फायदा हो रहा है? 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, आपके पास पर्टिकुलर्स दे रखे हैं 2016 और 17 के हेड ऑफिस और कानपुर ब्रांच के अलग अलग। आपके पास ओपनिंग स्टॉक है हेड ऑफिस का 25,000, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ टू ओपनिंग स्टॉक 25,000।
5,000। आपको मैंने यहाँ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, ये हेड ऑफिस, ये ब्रांच, ये हेड ऑफिस, ये ब्रांच, ये डेबिट है, इस साइड में क्रेडिट है। मैंने लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक 25,000, कानपुर की ब्रांच में यहाँ पर नहीं है। परचेजेस है 1,50,000 की हेड ऑफिस में, टू परचेजेस 1,50,000 यहाँ ब्रांच में नहीं है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एट होलसेल प्राइस 54,000, इट मीन्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड की है 54,000 रुपीस की। इट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 54,000 रुपीस क्रेडिट व्हाट गोज आउट के अकॉर्डिंग हेड ऑफिस की तरफ से गए हैं, तब हम यहाँ लिख देंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेंड टू ब्रांच। इसको मैंने क्रेडिट साइड में यहाँ पर शो कर दिया है 54,000 रुपीज, और ब्रांच ने उसको रिसीव कर लिए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच या सेंड टू ब्रांच, जो भी आप लिखोगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया 54,000 रुपीज। सेल्स आपकी 1,53,000 है हेड ऑफिस की, बाय सेल्स 1,53,000 कानपुर ब्रांच की है 50,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस 8,000 और 2,000 के, ये वो एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होंगे, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देती हूँ, देखिए, ताकि सारी यहाँ से आइटम ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पर लिख दिया टू एक्सपेंसेस, यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, मैं लिख देती हूँ ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन आ जाएगा यहाँ मेरा। एक्सपेंसेस है 8,000 और 2,000 के, 8,000 देन 2,000। अब आप यहाँ देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास ओपनिंग परचेज गुड्स आ गई, यहाँ पर सेल्स आ गई, यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। और इसको फाइंड आउट कराने के लिए दो अकाउंट क्रिएट किए जाएंगे, हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट जो आपको कॉस्ट प्राइस पर निकालना है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो आपको इनवॉइस प्राइस पर कैलकुलेट करना है। तो हेड ऑफिस स्टॉक अकाउंट ये मैं बना दी, उसे ध्यान से देखिए, अभी तक आपके पास हेड ऑफिस की जितनी आइटम है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। ऊपर से मैंने पिक कर लिया ओपनिंग स्टॉक रुपीज 25,000, देन टू परचेजेस 1,50,000, यहाँ पर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच 54,000 है, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। आपका जो 54,000 है वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको ये आपका इनवॉइस प्राइस पर है 54,000, आपको उसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। और हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 180 रुपीज़ होगा, तो यानी कि यहाँ पर आप ध्यान रखोगे कि 100 वाला 180 में जाना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाएगा। 54,000 का 100 अपॉन में 180 के आपका आंसर आया 30,000 रुपीज़ में। नाउ द सेल, बाय सेल्स आपकी सेल्स हेड ऑफिस की है 1,53,000, इसको भी अगेन 100 अपॉन में 180 चेंज कर दिया मैंने, ये आपका आया 85,000 रुपीस में। अब आपके पास बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, यहाँ का टोटल हुआ 1,75,000, यहाँ आपका बैलेंस बचा 60,000 रुपीस का, ये अगेन 1,75,000, ये 60,000 रुपीज़ यहाँ से पिक करके मैंने यहाँ पर लिख दिए 60,000 रुपीज़। अब मुझे ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए ब्रांच की सभी आइटम को पिक करना पड़ेगा। टू ओपनिंग स्टॉक, आपके पास ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का 1,800 रुपीज़ है, ये ऊपर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं था, 1,800 यहाँ पर 1,800 हमने लिख दिया। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 54,000, देखिए यहाँ पर 1,800 भी ले लिया, 54,000 भी ले लिया। अब मुझे सेल्स लेनी है 50,000 और इसके ऊपर कैलकुलेट करना है, बाय सेल्स 54,000, 54,000 का 180 अपॉन में 200। अब आप कहोगे कि मैंने 180 अपॉन में 200 यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ब्रांच जो अपने कस्टमर को सेल कर रही है वो इस पर सेल कर रही है कि कॉस्ट अगर 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस 200 रुपीज़ है, इट मींस उनका होलसेल प्राइस
अपॉन में रिटेल प्राइस, यहाँ पर इस चीज का आप ध्यान रखोगे आपके पास आ जाता है 45,000 रुपीज। अब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आंसर बचा वो बचा 10,800 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। मैंने 10,800 यहाँ पर पिक कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पर टोटल कर देना जो भी इसका टोटल आएगा, माइनस करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट बचा क्वेश्चन नंबर 19 का 92,000 रुपीज और 5,000 रुपीज, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 92,000 रुपीज और 5,000 रुपीज। अब इस वैल्यू पर आपको अनरीज प्रॉफिट निकालने अकॉर्डिंग टू दी एंट्रीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व करना है। मैंने यहाँ पर लिखा टू, नीचे लिख देती हूँ थोड़ा मैं, टू स्टॉक रिजर्व, ये मैं यहाँ रब कर देती हूँ, इतना आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मुझे ये आपको मेन यहीं से बताना है कि क्या करना है। आपका जो स्टॉक रिजर्व है यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर फाइंड आउट होगा और आपका क्लोजिंग स्टॉक 10,800 रुपीज है ब्रांच का। अब इसका जो प्रॉफिट है अनरिलीज प्रॉफिट वो हुआ 80 और अपॉन में 180। ये मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि 100 वाली आइटम जो 180 में होलसेल प्राइस है तो उसको 80 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, किसको, हेड ऑफिस को। यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है 4,800 रुपीज, अगेन ग्रॉस प्रॉफिट डालने के बाद बाय स्टॉक रिजर्व, और आपको पता होगा यहाँ पर स्टॉक रिजर्व ओपनिंग स्टॉक के ऊपर कैलकुलेट होता है, तो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,800 रुपीज का, 1,800 का अपॉन 80 अपॉन में 180 रुपीज, ये आपका 800 रुपीज आ गया। ये दोनों आपके पास जो निकले ये आपके अनरिलीज्ड प्रॉफिट है। यहाँ पर इसका टोटल किया आपके पास आया 92,800 रुपीज और 5,000 रुपीज, इट मीन्स आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया, माइनस करने के बाद आपका एनपी आया 80,000 देन 3,000 रुपीज। इस तरह से आपको होलसेल बेसिस पर अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आपको क्लोजिंग स्टॉक इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हेड ऑफिस और स्टॉक का अलग से क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट,